Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं, उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज ए सच ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ कुल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वे भी उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए, करते हैं ना? ऐसे टीचर होते हैं ना, नहीं होते हैं? तो बोलिए ना। हाँ, और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उतनी छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की तकनीक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई कोई एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एकाध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही, और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एकाध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा
कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू दो चार मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की जो ताकत है, वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। कृपा करके उसको तो फायदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना दोस्तों। हर रेलवे स्टेशन पे पटरी जहां होती है ना, वहां ब्रिज होता है, तुम लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहां लिखा है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत। आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।